गुड मॉर्निंग एंड जय माता जी टू एवरीवन। आज हॉलीडे है, संडे है, तो बस मैंने आज कुछ ब्रेकफास्ट में बनाया नहीं है। तो ब्रेकफास्ट में आज कचौरी एंड बिस्किट्स हम लेंगे। आज मैंने बोला मैं ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं बनाऊंगी, आज मुझे छुट्टी है ब्रेकफास्ट से। और बच्चों को तो मज़ा पड़ गई क्योंकि उनको बाहर रेडी का खाना मिल गया। वैसे भी राकेश और कृतांश कृतिक लेट उठे हैं, तो तब तक मैंने बालों में मेहंदी लगा दी। पानी हमारे घर में 7 बज जाता है, वो पानी भी भर लिया सब जगह पे। एंड छोले मुझे आज बनाने हैं, छोले भटूरे, तो छोले भी बॉईल कर दिए, आलू भी मैंने उबाल लिए हैं, तो इतना काम तो मेरा कंप्लीट हो गया है। मैंने गोदरेज नूपुर मेहंदी लगाई है और उसके अंदर मैंने कर्ड और पतंजलि का एलोवेरा मिक्स किया था। तो मैंने घी जो बनाया था तो उसका लेफ्ट ओवर जो है मेरे पास पड़ा था, तो मैंने उसको फ्रोज़न कर दिया था, तो मैं आज उसी से मिठाई बनाऊंगी। ये जो लेफ्ट ओवर है जिसे हम किट्टू बोलते हैं, ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं रहता है। मेरा घी बनाने का जो प्रोसेस है उसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसे एक बार देख लीजिए। जो घी बनाने के बाद जो लेफ्ट ओवर बचता है उससे मैं काफ़ी सारी चीज़ें बनाती हूँ। इवन उसका जो बटर मिल्क निकलता है, जो उसका मिल्क निकलता है, एक्चुअली वो बटर मिल्क तो नहीं बोल सकती क्योंकि मैं कर्ड ऐड नहीं करती हूँ, बट उसका जो पानी निकलता है उससे भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें बनाती हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये घी बनाने के बाद जो लेफ्ट ओवर बचा है तो मैं उसे मावा ही बोलूँगी, तो वो फ्रोज़न किया हुआ था मैंने, तो उसे थोड़े टाइम पहले मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिया, तो अभी मैं उसे रोस्ट कर रही हूँ। रोस्ट करने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करना है। एक्चुअली मेरा दूध जो था वो खलास हो गया, मैंने सुबह जितना ही दूध बचा था उसका सब कर जमा दिया, मैं भूल गई कि मुझे मिठाई भी बनानी है, तो थोड़ा सा मैं रखूँ, तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और थोड़ी सी टेस्ट के अकॉर्डिंग अंदर शुगर ऐड कर रही हूँ। इसे कंटिन्यू आपको हिलाते रहना है ताकि वो नीचे बैठ ना जाए, जल ना जाए। अभी हमने थोड़ा पानी ऐड किया है, आप पानी की जगह पे दूध यूज़ करना, मैंने बताया कि मेरे पास दूध नहीं था। एंड शक्कर का पानी जो बनेगा वो जब तक थोड़ा सा बर्न न हो जाए तब तक हमें इसे कुक करना है। तो जब तक इसका पानी बंद होता है तब तक मैं बर्तन भी साइड में क्लीन करती रहूँगी और इसको बीच में हिलाते भी रहूँगी ताकि मेरे दोनों काम एक साथ हो जाएँ। तो ऑलमोस्ट जो है पानी वो बंद हो चुका है, थोड़ा बहुत अंदर मॉइस्चर रखना ज़रूरी है, अदरवाइज च्यूई हो जाएगा हमारा हलवा। तो हम इसमें अभी ऐड कर रहे हैं फॉर्मूला मिल्क का पाउडर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मैं फॉर्मूला मिल्क का पाउडर ऐड कर रही हूँ। काफ़ी बार बच्चे फॉर्मूला मिल्क नहीं पीते हैं और पेरेंट्स पाउडर ला देते हैं सबका सुन के, फिर बोलते हैं अभी हम क्या करेंगे, तो फिर नहीं पीते हैं तो फिर आप किसी ज़रूरतमंद को दे दो, या फिर कोई इस तरह का नहीं मिल रहा है जो फॉर्मूला मिल्क पी रहा हो तो आप इसे इस तरह की स्वीट में यूज़ कर दीजिए, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये फॉर्मूला मिल्क का पाउडर अंदर यूज़ किया गया है। टेस्ट में बहुत ही यम्मी ये स्वीट बनी थी, एकदम पेड़े जैसे हम खा रहे हो ना वैसा टेस्ट आ रहा था, सबको घर में बहुत पसंद आई। अब इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे, धैन अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये स्वीट बन के रेडी है, वो गरम है, आप चाहे तो इसे सेट भी कर सकते हैं, थोड़ा ठंडा होने पे पेड़े का शेप भी दे सकते हैं बस, पर मैं इसे ऐसे ही डिब्बे में ट्रांसफर कर दूंगी और फिर हम लंच में कैसे खा लेंगे। ये मैंने एक आलू लिया हुआ है, उसे बॉईल किया था, देन उसकी स्किन निकाल के उसको चीज़ ग्रेटर से मैंने ग्रेट कर लिया है। अब मैंने उसमें ऐड किया था 2 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा ऐड करेंगे, 1/2 कप सूजी ऐड करेंगे, 1/2 कप सॉल्ट ऐड करेंगे, ¼ टीस्पून सोडा ऐड करेंगे, मोयन के लिए ऑयल ऐड करेंगे, मैंने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड किया है,
अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि पटेटो हमने ऐड किया है, तेल भी ऐड किया है, तो अच्छे से उसको मिक्स करना है। और मैंने ये साइज़ का एक पटेटो लिया था। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कर्ड ऐड करेंगे, तो मुझे अराउंड 1 कप कर्ड ऐड करना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटा जो है वो गूंथ लेंगे। ना ही आटा बहुत ढीला करना है, ना ही बहुत सख्त करना है। आटा जो है मैंने गूंथ लिया है, अभी उससे हम अच्छे से बहुत मसलेंगे। आटा को अच्छे मसलने के बाद उसे कवर करके 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। वैसे तो ये इंस्टेंट ही भटूरे की रेसिपी है। तो अब मैं भटूरे फ्राई कर रही हूँ, तो जो रोलिंग बोर्ड है उस पर थोड़ा सा मैं ऑयल लगा रही हूँ ताकि वो ग्रीस कर लूँ, और जो मैं भटूरा बनाऊँगी तो उस पर चिपक ना जाए। आटे को भी एक बार अच्छे से गूँथ लूँगी वापस। अब आटे में से हम भटूरे के लिए एक लोया बना देंगे, देन उसे रोल करेंगे। सूखा आटा नहीं लेना है, बाय मिस्टेक मैंने सूखे आटे का डिब्बा भी निकाल दिया, बट सूखा आटा रोल करने के लिए नहीं लेना है। और फिर हम तेल चेक करेंगे कि गर्म हो गया है, तो भटूरा फास्ट फ्लेम पे ही पहले ऐड कर देंगे। आप इससे भी बड़ा भटूरा बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको कढ़ाई में ऑयल भी बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल भटूरा बना है। सेम तरीके से बाकी के भी भटूरे बना देंगे। अभी मैं कृतांश कृति के लिए ही बना रही हूँ भटूरे, राकेश जब आएंगे तब उनके लिए बनाऊंगी, और मुझे जब भी खाना रहेगा तभी मैं मेरे लिए बनाऊंगी। तो अभी मैं कृतांश और कृति के लिए प्लेट रेडी कर रही हूँ, तो बस मैं उनको भी प्लेट रेडी करके दे दूँगी। तो बस कृतांश कृति के लिए खाना रेडी है, और जो मैंने स्वीट बनाई है वो मैं आफ्टर लंच दूंगी उनको।
मुझे करने हैं कपड़े प्रेस, तो मैं चेक कर रही हूँ। अगर पैंट शर्ट और स्कूल के यूनिफॉर्म अगर सूख गए हैं तो मैं अभी कपड़े प्रेस करूँगी, अदरवाइज़ कल मॉर्निंग में करूँगी। तो सिर्फ शर्ट ही सूखे हैं, बाकी जो हाफ पैंट है, राकेश का शर्ट पैंट है, वो नहीं सूखे है, तो मैं अभी कल ही करूँगी। अभी ग्रुतान श्रुतिक राकेश के साथ नीचे गए साइकिल चलाने के लिए, और मैंने भी बालों में आज सुबह मेहंदी डाली थी। अभी नवरात्रि आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे के किस में करते जाऊंगे, फिर टाइम नहीं मिलेगा। और घर की सफाई भी करनी है, क्योंकि फिर एग्ज़ाम आती है, दिवाली के 2 दिन पहले ही वैकेशन होता है, तो फिर एग्ज़ाम होते हुए कुछ सफाई भी मैं नहीं कर पाती, तो थोड़ा थोड़ा मुझे वो भी स्टार्ट करना है अभी। तो अभी मॉनसून में मैं जो प्रॉब्लम मेरी बता रही हूँ वो मुझे हर मॉनसून में फेस करती हूँ। एवरी मॉनसून जब आता है ना, मेरे हेयर फॉल बहुत ही होते हैं, तो ये टाइम भी वही सेम था। तो मेरे बाल जो है वो काफ़ी पतले हो गए हैं, वैसे भी मेरे बाल पतले हैं, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा उसको काट डालूँ। मैंने काफ़ी टाइम से उसे कट भी नहीं किया है, तो क्योंकि मॉनसून में बहुत बाल झड़ रहे हैं, फिर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर ध्यान नहीं देती मेरे बालों का। अगर मैं हेयर वॉश करती हूँ तो क्या होता है कि कभी मुझे टाइम नहीं मिलता है तुरंत ही खुला छोड़ के हेयर सुखाने के लिए, तो ये चीज़ मेरे बालों के लिए बहुत ही बुरा इफेक्ट डालती है। तो इसी वजह से शायद हेयर फॉल होते हो, क्योंकि एक तो मानसून में बारिश भी बहुत रहती है, बाल भी जल्दी सूखते नहीं है, और मुझे घर के काम जो रहते हैं वो खुले बाल छोड़ के मुझे करना मुझे नहीं पसंद है, कम्फर्टेबल मैं फील नहीं करती हूँ खुले बालों में काम करना, तो मैं ज़्यादातर बाल बांध ही देती हूँ। तो शायद गीले बाल को ज़्यादा टाइम बांध के मैं काम करती हूँ, इसीलिए मेरे हेयर फॉल होते होंगे। लेकिन गर्मी में नहीं ये प्रॉब्लम होती है मुझे, सिर्फ मॉनसून में ही ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े बाल जो है मेरे काट डालूँ, काफ़ी टाइम से मैंने कट भी नहीं किए हैं। वैसे मैं मेरे बाल खुद ही काटती हूँ, पहले मेरी सिस्टर इन लॉ थी, अभी वो न्यूजीलैंड में है, तो पहले वो मुझे काट के देती थी, अभी नहीं है, तो मैं अपने बाल खुद ही काट लेती हूँ। तो मुझे बांधनी है पोनी टेल, तो इसके लिए मैंने सारे बाल जो है वो मैंने आगे कर लिए हैं मेरे, और मैं एक पोनी टेल बांधूँगी। तो मैं जिस हाइट पे पोनी टेल बांधती हूँ सर में, उससे थोड़ी ऊपर मुझे पोनी टेल चाहिए, इसीलिए मैं इस तरह से बैठी हुई, मैं हमेशा इस तरह से पूरे बाल आगे कर लेती हूँ, देन फिर पोनी में बांध देती हूँ। अगर आपको बाल में ज़्यादा स्टेप डीप दिखाने हैं तो और ऊपर आपको पोनी टेल बांधनी है, लेकिन मुझे ज़्यादा डीप नहीं दिखाने हैं, तो मैंने इसी हाइट पे पोनी टेल बांधी हुई है। और मैं बालों में कॉलिन नहीं डाल रही हूँ, ये खाली बॉटल हो गई थी, तो उसको अच्छे से वॉश किया है, और उसके अंदर फिल्टर वाटर ही भरा हुआ है, तो ये स्प्रे बॉटल है, इसमें कॉलिन नहीं है। तो मेरे बाल जी के नीचे से काफी खराब हो गए, तो मुझे कटिंग वैसे भी करना ही था। सामने से यहाँ से सनलाइट आ रही है मिरर में, तो मुझे देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और यहाँ पे कर्टन था, लेकिन कृता श्रुतिक ने क्या किया, एक बार मैं किचन में काम कर रही थी और दोनों कर्टन से लटक के झूला झूल रहे थे, फिर वो पूरा पाइप था वो नीचे आ गया, और तब से लगाना बाकी है, अभी ड्रिल मशीन आएगा तब राकेश लगा के देंगे मुझे। तो बस मैंने मेरे हेयर को 2 फिंगर में अच्छे से पकड़ लिया है, अभी मैं उसे कट करूँगी, और मैंने पेपर भी लिया है जो मैंने पैर पे बिछाया हुआ है, ताकि जो बाल है वो पेपर पे ही गिरे। मेरी सीजर 2 थी मेरे पास, श्रुतिक ने तोड़ डाली एक, और एक से पता नहीं सारा दिन क्या ना क्या कुछ कट करते रहते हैं, तो वो भी पूरी खराब कर दी, और ये नेबर की लेके आई वो भी वैसी है। डीमार्ट जाऊंगी तब लेके आऊंगी, याद नहीं आया था।
इसकी नोकी जो है ना वहाँ पे शार्प नहीं है, नहीं कुछ कट नहीं रहा है। इस तरह से कट करके फिर स्टैंडिंग में थोड़े कट करने पड़ते हैं, अच्छे से बाल कट जाते हैं, बट अभी इसमें शार्पनेस ही नहीं है, तो पता नहीं अभी मैं क्या करूँ। देखिए रबर बैंड में भी कितने सारे बाल आ गए। तो पीछे से बाल कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, ज़्यादा स्टेप्स नहीं दिखते हैं मुझे, ज़्यादा स्टेप्स मैं बनाती भी नहीं हूँ बालों में। अगर आपको ज़्यादा स्टेप्स चाहिए तो जैसे कि मैंने बताया कि और ऊपर हाइट पे पूनी बांधनी पड़ती है, तो मैं इस तरह से ही मेरे बाल जो है वो काटती हूँ। आपको इसमें स्टेप्स ठीक से नज़र नहीं आ रहे हैं, बट नीचे नीचे जो रहते हैं वो स्टेप्स रहते हैं। तो मैंने मेरे हेयर इतनी लेंथ में काट दिए हैं। हाथ तो बोलने खाते अंदर मुझे बोला खाते अंदर मुझे आ वहीं आ मुंह कहीं आ पड़ी जैसे जो आये वहीं तो यहाँ काट मुंह की अंदर रूप तो मैं यहाँ मुंह कर। मैंने उनको बोला था भुटा छुट्टी को कुछ भी पैकेट फूड लाके मत खाना, बट लेके आए वैकेशन लेके दिया। तो कुर्ता श्रुति की हिंदी एक्टिविटी है कल, तो उसमें बना के लेके जाना है उनको दिया। तो दिया ड्राइंग करके एंड कलर करके लेके जाना है, और वहाँ पे जाके कुर्ता श्रुति को उसमें बिंदी स्टिक करनी है। तो बस मैं वही प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरा ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ड्राइंग करना। मैं भी स्कूल में थी ना, तब ड्राइंग में कुछ बनाना रहता था ना, तो मैं किसी और से बनवाती थी। मुझे नहीं अच्छा लगता है ड्राइंग। एग्जाम में भी तीन टॉपिक दिए जाते थे, मतलब तीन टॉपिक पे कोई भी आपको एक टॉपिक पे ड्राइंग बनाना रहता था, तो मैं जो सबसे इजी जो रहता था ना वो उसी टॉपिक पे मैं बनाती थी ड्राइंग। तो मैं यहाँ पे कृता श्रुति को पेंसिल से दिया बना के दूंगी एंड स्केच पेन से बॉर्डर बना के दूंगी, देन कलर जो है वो दोनों फिल करेंगे। तो बस फ्रेंड्स, मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा आज का व्लॉग जो है आपको पसंद ज़रूर आएगा, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, एंड मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और हाँ कमेंट करना भी ना भूलिए।